पृथला विधानसभा के सोताई गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंची भाजपा प्रत्याशी टेकचंद शर्मा का गांव की सरदारी ने अनोखे अंदाज में स्वागत किया। दरअसल गांव सोताई में सरदारी ने भाजपा प्रत्याशी टेकचंद को उनके वजन के जितना लड्डू में तोलकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर टेकचंद ने गांव की सरदारी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि मैं आभार करता हूं ऐसे गांव की सरदारी का जिन्होंने इतना अनोखा स्वागत कार्यक्रम रखा। वहीं टेकचंद शर्मा ने ये भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में मेरे कार्यकाल में क्षेत्र के अंदर सभी 36 बिरादरियों के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं हुई। ऐसे ही आने वाले 5 वर्षों के लिए यदि क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं पृथला विधानसभा क्षेत्र की सभी 36 बिरादरियों के विकास के लिए तन मन से काम करूंगा। ये सच्चाई है कि आने वाले 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बन चुका है और 8 तारीख को मैंने संदिग्ध दल की लकीरें लिख के ले लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कोई लोग नहीं आज समस्या ये नहीं है, समस्या है तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हमारा प्रतिनिधि बने और लोगों के विकास हो। सोतई गांव के मैं एक विश्वास देता हूं जो आपके अधूरे कहने हैं, जो आपकी परेशानियां हैं उन सबको दूर करते हुए 1 साल के अंदर अंदर ये सारा काम पूरे हो जाएंगे। ये भी मैं आपको और आपने ये महसूस भी किया होगा कि जो मैं कहता हूँ वो करने की क्षमता रखता हूँ। नहीं देख लो विकास के मामले में कभी अधूरा नहीं छोड़ा। मेरी माताएं बहनों से अपील है, मैं विशेष आग्रह करके जा रहा हूँ कि आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल पर लगाएं। आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका अपना हूँ। विश्वास रखना, ना धोखेबाज था ना धोखेबाज हूँ और ना धोखा मैं दे सकता। इतना भव्य आयोजन करने पर भाई भगवान सिंह ने बसंत जी और उनके साथ ही सारी टीम ने जो मैं तो ये सोचना था यही करना क्या चाहते हैं लड्डुओं का पूरा मेरे से वजन से भी ज्यादा लड्डू मंगा रखे थे और मैं तो ये कहूँगा भगवान सिंह जी और बसंत जी और उनकी टीम जितने भी साधे हैं वो इन लड्डियों को भी सबको खिलाए और लोगों को ये कहें कि भगवान की कृपा से आने वाले समय में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आपको बता दें कि पृथला विधानसभा के सोताई गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी टेकचंद शर्मा का गांव की सरदारी ने अनोखे अंदाज में स्वागत किया। दरअसल गांव सोताई की सरदारी ने भाजपा प्रत्याशी टेकचंद शर्मा को उनके वजन के जितना लड्डू में तोलकर भव्य स्वागत किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।